हाँ जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आपकी? घूमने के लिए? कहाँ घूमने जा रहे हैं? वो अभी नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। अरे बता दो ना सब हमारे व्यूअर्स को। नहीं, ये आपके लिए सरप्राइज होगा। अच्छा, तो फिर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। चलो फिर चलें। आप चलाओगे या मैं चलाऊं? मैं चलाऊं? हाँ चला लो, देख लो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं और हीरा दोनों जा रहे हैं टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि आज रात को हमारी बस है 8 बजे। सो हमें टिकट्स टाइमली लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस के बाहर, जहाँ से टिकट मिलती है। हीरे को मैंने यहाँ पार्क कर दिया है। तो यहाँ हमारा कैपिटल टूर एंड ट्रेवल्स वालों का ऑफिस है, जहाँ से हमें मिलेगी टिकट, और यहीं से चलेगी बस हमारी रात को। तो टिकट जो है मैंने उसको ब्लर कर दिया है, क्योंकि आप सबके लिए ये ट्रिप सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं घर की तरफ और लगेज उठा के पकड़ेंगे बस। एक्साइटमेंट पूरी फुल पीक पर है और सामान हमारा पैक हो चुका है, इसको हम करेंगे गाड़ी में लोड। गाड़ी एकदम रेडी है और यहाँ हमने सामान जो है डिक्की में रखना है, और ये पूरी तरह फिट आ गया। तो अब चलिए फिर चलें बस स्टैंड। तो मामा हमारे साथ चल रहे हैं बस स्टैंड तक हमें छोड़ने के लिए। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं, क्योंकि बस छूट ना जाए, तो हमें टाइमली वहाँ पहुँचना है, ताकि हम ईजिली एंड विदाउट एनी पैनिक बस को पकड़ सकें। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट चलो ठीक है, वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, ये जानने के लिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो चलिए बाय बाय। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार अब सब्सक्राइब प्लीज़ करके ही जाना, भूलना मत। अभी देखते देखते ही कर देना, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये व्लॉग हमारा बहुत ही मस्त होने वाला है। और जो अपकमिंग व्लॉग्स हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम जा ही ऐसी प्लेस पे रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शाम के 7:50 हो चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड, और यहाँ मम्मा और सोनिया निकल चुके हैं गाड़ी से बाहर। बस ठीक हमारी 10 मिनट के बाद अपने स्टॉप पर लग जाएगी। तो चलिए फिर हम अपना ट्रॉली बैग लेकर टाइम पास करते हुए चलते हैं बस की तरफ। यार बस को देखकर अब फील आ रही है कि जर्नी यार सच में स्टार्ट होने जा रही है, और बहुत मस्ती होने वाली है। ट्रस्ट मी, बहुत प्लानिंग्स हैं, और होपफुली कि वो प्लानिंग्स जो हमने की हैं वो सारी अच्छी जाएंगी। तो ये आप देख लीजिए, स्लीपर्स थे ऊपर नीचे, और हमारा जो था वो था लोअर बर्थ, यानी कि 2 लोग आराम से इसमें सोकर जा सकते हैं। काफ़ी खुला स्पेशियस था। बातें करते करते हमारी बस जो है वो चल पड़ी है, फुली एसी बस थी। और ये देखिए कैबिन के अंदर से बाहर का व्यू। हम तो अब कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट, और आप सबके साथ मिलते हैं मॉर्निंग में। टिल देन गुड नाइट।
भाई और बहनों, सुबह के बज चुके हैं 5:45 और हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जो है बता दूं क्या आपको? चलो एक मिनट और रुको। तो ये पहले आप हमारा लगेज देखिए, ठीक है? और ये हमारे जो सामने भैया खड़े हैं, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। अरे बस तो हमें छोड़ के यहाँ जा रही है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चलो कोई बात नहीं, तू जा, तेरे से हम मिलेंगे यहाँ पर 3 दिन के बाद। तो हम आते हैं भैया के पास वापस, तो इन भैया से हम पियेंगे चाय। चाय का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और साथ में मैंने टैक्सी बुक कर दी है, जो कभी भी आ सकती है, क्योंकि हमें जाना है अपने होटल की तरफ। टैक्सी में बैठ के बताऊंगा कि हम कहाँ आए हैं घूमने के लिए। तो मेरी आप सबके साथ ये एक कमिटमेंट हुई थी कि मैं गाड़ी में बैठ के आपको बताऊंगा कि हम कहाँ घूमने आए। तो चलिए मैं बताता हूँ। वैसे तो आप देख के शायद थोड़ा सा गैस कर ही लोगे कि हम कहाँ घूमने आए हैं, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी कि हम आए हैं जयपुर, जो है राजस्थान की कैपिटल। तो सुबह के 5:45 हैं, तो मौसम काफ़ी फ्रेश है, गाड़ी करके हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो साथ साथ आप कुछ प्लेसेस का नज़ारा देखिए कि जयपुर किस तरह का है। ये कलर कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं सामने, तो इस कलर की वजह से ही इस जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और यार मेरे को तो वैसे यहाँ रास्ते में ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लग रही है। और इस समय जिस रोड पे हम हैं, इस रोड का नाम है आमेर रोड, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेमस फोर्ट है, आमेर फोर्ट। तो उस फोर्ट की तरफ ये रोड जाती है, तो उसी की वजह से इस रोड का नाम है आमेर रोड। सबसे बड़ी बात ये है कि इसी आमेर रोड पर हमारा जो होटल है वो हमने बुक कर रखा है। मेरे को तो यार सच में अभी से वाइब्स आने लग गई है कि ये जो हमारा ट्रिप है बहुत औसम जाने वाला है। और साथ में सबसे मज़ेदार बात मेरे को ये लगी कि हमें साइड में पहाड़ दिख रहे हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये जो पहाड़ हैं, ये सारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यानी कि जो अरावली माउंटेन्स रेंज हैं, ये उनके पहाड़ हैं। और सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो सन है हमारा राइज हो रहा है। लिटरली सबसे बड़ी बात ये है कि एक दिन पहले यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होके हटी थी, सो मौसम काफ़ी मस्त है। तो लीजिए हम होटल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, तो चलिए फिर चलते हैं होटल के अंदर। और ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ होटल का भी, बाकी जो मज़ेदार व्लॉग्स हैं वो तो आपके सामने अभी आने वाले हैं। तो उन व्लॉग्स को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ट्रस्ट मी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।